बोला जाता है ना यार तेरे तो खून के अंदर ही है सीना चौड़ा हो जाता है और उसके बाद ऐसा है वैसे मेरे ख्याल से नोलन खानदान जो है वो कन्फ्यूजन का बादशाह है और बेस्ट नरेटिव का भी बादशाह है जिस तरीके का वो साइफाई नरेटिव बनाते हैं यूजली किसी के बस की बात होती नहीं है नोलन कौन क्रिस्टोफर नोलन और उनके जो भाई हैं जोनिथन नोलन मैं इनकी बात इसलिए कर रहा हूँ जैसे क्रिस्टोफर आपको काफी कन्फ्यूज कर देते हैं मतलब समझ में नहीं आता ये चल क्या रहा है सला थोड़ा सा दो बार देखना पड़ता है तब जाके समझ में आता है ऐसी एक सीरीज है वेस्ट वर्ल्ड जो इनके भाई ने बनाई है और बहुत बढ़िया बनाई है मतलब आई वुड है कि बेस्ट सीरीज है अगर आपको आपको जैसी आगे पीछे क्या हो हो रहा है 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 कौन किसका बाप बेटी बहन भाई है, आपको confusion हो जाती है, तो आप एक बार ये भी जरूर देखिए जिस जिस तरीके के इसका set design है, जिस तरीके इसका का इसके अंदर और जिस तरीके के इस इसके moralities की बात करी गई है वो इतने सिंप्लीफाई तरीके से इतना कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट दिखाया गया है है, सकते हैं पहले सीजन से लेके जो चौथा सीजन है उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है सेट डिजाइन की वो अमेजिंग है थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूं बिल्कुल स्पॉइलर दिए बिना बिकॉज मैंने कोई भी क्यू दिया तो आपको मजा किरकरा हो जाएगा यहां पर एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक सा पार्क दिखाया गया जहां पर ह्यूमन्स है अब इन ह्यूमन्स को अगर आप गौर से लेंस लगा के देखोगे तो एक्चुअली में ह्यूमन नहीं है ये बेसिकली होस्ट है ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो कि नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी से बनाए गए इतने ज्यादा कि इनका आई क्यू क्यू सब कुछ ह्यूमन जैसा है और इनको लेकिन ह्यूमन कंट्रोल कर पाते हैं इनके पीछे एक नरेटिव है अब नरेटिव क्या है इनको क्या स्टोरी दी गई है और ये ऐसे पार्क में क्यों है

इसके अंदर बहुत डीप साइफाई है को कर देगा। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं उन्होंने जो फर्स्ट सीजन के अंदर कैरेक्टर्स रखे हैं उसके अंदर से एट्टी कैरेक्टर्स वही कॉमन है लेकिन हर सीजन के अंदर नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते रहते हैं फ्रेशनेस भी आती रहती है और जब

बोलोगे यार ये एक्चुअली में हो क्यों रहा है बट अगर आपने पेशेंस दिखा दी आप बोलोगे कि वाह क्या रिकमेंडेशन दी है तो मज़ा आ जाएगा आपको देख के जियो सिनेमा पे अवेलेबल है जाके देखो जियो सिनेमा में वैसे मैचेस भी आ रहे हैं वो भी देखते देखते ये भी देखते रहना लंबे लंबे एपिसोड हैं एक एक घंटे के हैं मैं भी काफ़ी टाइम से इसको देख रहा हूँ अब चार सीजन इसके मेरे खत्म हो गए हैं इसको अब स्टॉप कर दिया गया था बीच में पांच सीजन की कमिटमेंट थी ये फिफ्थ सीजन इसका बन नहीं रहा था लेकिन अभी ऑफ लेटली एक और स्टेटमेंट आएगी फैमिली से कि भाई हम इसका सीजन जो फाइव फिफ्थ है वो कंप्लीट करना चाहेंगे इसको आप देखोगे आप बोलोगे कि मतलब कल से ही डिमांड करना शुरू कर दोगे यापन को तो मांगता है सीजन फाइव इतना खतरनाक है सो ट्रस्ट माई वर्ड राइट फ्रॉम सेट डिजाइन इज डिजाइंग राइट फ्रॉम अमेजिंग स्टोरी टेलिंग आप बिल्कुल ही घुस जाते हो आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन कौन है वो भी आपको अजीब सा जाता जाता है, होना हो जाता है, होना शुरू हो म्यूजिक ले ली ले लीजिए, 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 सेट डिजाइन आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस देख देख कंसिस्टेंसी आप बोलोगे पार एक्सीलेंस तो मैं बहुत तारीफ कर चुका हूं ये के वर्थ भी है, और मैं दूंगा, के कोई फ्लॉ नहीं है एक्चुअली अंदर देखोगे मजा ही आ रहा बाकी जल्दी मिलेंगे